हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलो, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा क्रैश लेक्चर नंबर 2 वर्चुअल क्लासरूम है, ठीक है। इससे पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर्स की बात, यानी 2 टॉपिक की बात हम पहले ही कर चुके हैं। एक टॉपिक का नाम है हमारा यूनिट मेजरमेंट एंड एरर और दूसरे टॉपिक का नाम है वेव। अब यहाँ से हम लोग तीसरा टॉपिक कहें या तीसरी यूनिट कहें, थर्ड यूनिट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। और यूनिट का नाम है बच्चों थर्मोडायनामिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि थर्मोडायनामिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुल मिलाकर थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमारे पास में 3 चैप्टर्स आने वाले हैं। सबसे पहला जो चैप्टर हमारे पास में थर्मोडायनामिक्स में रहेगा उसे हम नाम देंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सेकेंड जो चैप्टर हमारे पास में रहने वाला है ये प्योर थर्मोडायनामिक्स है, जिसके अंदर हम प्रोसेस की बात करने वाले हैं। और जो तीसरा चैप्टर रहेगा वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी केटीजी, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जेई और नीट दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिनिमम नीट के अंदर ये 3 से 4 प्रॉब्लम आपको दिखा जाएगा और जेई के अंदर भी 1 से 2 प्रॉब्लम इसके अंदर से पूछी जा सकती है। तो आपको हर एक चीज को बहुत ध्यान से सोच कर समझ कर बहुत सही तरीके से आपको चलना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि हम सबसे पहले इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको सारी चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी है स्टूडेंट्स। चलिए, अभी जो हम सबसे पहली बात इसके अंदर करने वाले हैं जो ये बात है हमारे पास में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम सबसे पहली बात इसके अंदर करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे सामने इसके अंदर से आने वाले हैं। देखिए, वैसे तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अब इतना बड़ा चैप्टर तो हम लोग इतने कम समय के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर से हमने वो सारी चीजें उठा ली हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहीं से हम लोग काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो हम काम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट, वो काम स्टार्ट हम करने वाले हैं, सबसे पहले जो मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं वो है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। देखिए, बेसिकली स्पेसिफिक हीट है क्या, कैसे हम लोग स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करेंगे। एक बड़ी आसान सी डेफिनेशन आती है, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो उसके लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम स्पेसिफिक हीट की कैटेगरी के अंदर डालेंगे। जनरली स्पेसिफिक हीट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है। C is equal to delta Q upon m delta T. Delta Q जूल में मेजर किया जाएगा, m किलोग्राम में मेजर किया जाएगा, किलोग्राम इनवर्स, और delta T केल्विन में मेजर किया जाएगा। ये स्पेसिफिक हीट की हमारे पास में यूनिट है स्टूडेंट, जूल किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसकी एक और यूनिट हो सकती है, वो क्या है समझते हैं। दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी स्पेसिफिक हीट की, डेल्टा क्यू को इस बार हम कैलोरी में मेजर करेंगे, ध्यान दीजिएगा कैलोरी में। मास को हम मेजर करेंगे ग्राम इनवर्स में, यानी ग्राम में हम मेजर करेंगे, और टेम्परेचर को हम मेजर करेंगे डिग्री सेल्सियस में। तो ये हमारे पास में दूसरी यूनिट जाएगी, कैलोरी, ग्राम इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। सो अभी तक आपको हमने सिर्फ इतना बताया कि स्पेसिफिक हीट क्या है। बेसिकली स्पेसिफिक हीट हीट का वो अमाउंट है जो किसी भी 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस यानी 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर दे उसे हम स्पेसिफिक हीट की कैटेगरी के अंदर डालेंगे। ये बेसिक फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट का, ये इसकी SI यूनिट है और ये इसकी CVS यूनिट है। इसके अलावा मैं आपको स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज बताता हूँ। देखो, अगर मैं बात करूं वाटर की, ठीक है, तो मैं आपके सामने वाटर की 3 फेज लिख देता हूं। पहली फेज क्या है वाटर की, सॉलिड यानी आइस। दूसरी फेज क्या है, लिक्विड। तीसरी फेज क्या है, गैस यानी वेपर, ठीक है। अभी तीनों फेज के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू डिफरेंट है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये वाटर की स्पेसिफिक हीट है, ये लिक्विड की कंडीशन में है, तो ये रहने वाली है 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अगर हम बात करें आइस की स्पेसिफिक हीट, तो आइस की स्पेसिफिक हीट होने वाली है 0.5 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। और अगर हम बात करें वेपर की स्पेसिफिक हीट स्टूडेंट्स, तो वेपर की स्पेसिफिक हीट रहेगी अगेन 0.5 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये कुल मिलाकर हमारे पास में 3 वाटर की स्पेसिफिक हीट होने वाली है। ये मैंने आपके सामने डेटा को जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है, वाटर के लिए है 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, आइस के लिए है 0.5 और वेपर के लिए है 0.5। आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के अंदर एक बेसिक टर्म और आता है स्टूडेंट, इसे हम लोग बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। देखो हालांकि इसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए मोलर स्पेसिफिक हीट। खाली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी हमारे पास में, सी डेफिनेशन क्या थी, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो जो हीट देनी पड़ेगी वो हमारी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। सेकेंड कंडीशन में हमारे पास में क्या है स्टूडेंट, सेकेंड कंडीशन में है 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। आप लोग समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से, 1 डिग्री यानी 1 मोल का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है। इसके लिए जो स्पेसिफिक, इसके लिए जो हीट हमें देनी पड़ेगी वो हमारी कहलाएगी स्टूडेंट्स मोलर स्पेसिफिक हीट। आप ध्यान रखेंगे दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट, सी इज इक्वल टू डेल्टा की वो अपॉन एन डिग्री। अगर हमारे पास में 2 चीजें हैं यार, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डेटा आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। फॉर्मूले का इतना बड़ा काम नहीं है, आगे हम कई बार इसकी बात करेंगे, लेकिन डेटा काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल, याद रखेंगे। ओके सो ये हमारे पास में कंडीशन हो गई है, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, हर एक डेटा आपको अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बढ़ जाते हैं आगे और नेक्स्ट कंडीशन देखिए हमारे पास में क्या है। अगली कंडीशन हमारे पास में क्या आती है, अगली कंडीशन पे तुरंत हमारे पास में आता है बच्चों लेटेंट हीट, लेटेंट, ठीक है। देखो लेटेंट का मतलब आप जानते हैं, ये जो लेटेंट वर्ड मैंने आपके सामने यहां मेंशन किया है, लेटेंट वर्ड का सीधा सा मतलब है हिडन हीट यानी हाइट, पूरी तरीके से यानी छिपी हुई। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा छिपी हुई हीट, ठीक है, छिपी हुई हीट, ओपन नहीं है बिल्कुल, हाई हीट है, हिडन हीट है, इसीलिए हम लोगों ने इसे नाम दिया है लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट की कंडीशन क्या है आप जरा समझोगे, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। देखिए हमने इसे लेटेंट हीट क्यों कहा, अगर आपको किसी भी कंटेंट की फेज को चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको सॉलिड को लिक्विड में बदलना है या लिक्विड को गैस में बदलना है, गैस को दोबारा से आपको लिक्विड में बदलना है और लिक्विड को सॉलिड में बदलना है, तो फेज को चेंज करने के लिए जो हीट दी जाएगी उसे हम लोग नाम देंगे लेटेंट हीट। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ वाटर की, क्योंकि मोस्टली केस में हमारे पास में वाटर ही आता है, आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपके सामने 2 कंडीशंस बनाई, देखिए क्या है, पहली कंडीशन है आइस, अगर मुझे आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, पानी को बर्फ के अंदर मुझे बदलना है, मुझे आइस को मुझे वाटर में कन्वर्ट करना है, आइस को मुझे वाटर में लेकर जाना है, बर्फ को पानी में बदलना है, तो बच्चों मैं इसे नाम देने वाला हूं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसे हम लोग नाम देने वाले हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर पानी को दोबारा से मुझे बर्फ में बदलना है तो ये भी हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बस थोड़ा सा नाम बदल देंगे लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, यानी दोबारा से लिक्विड को हम सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा से हम लिक्विड को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हमारा कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। इसे हम लोग बच्चों डिनोट करते हैं LF से। और अगर हम पानी की बात करें तो इसकी वैल्यू रहती है, ध्यान से आप जरा देखेंगे, 80 कैलोरी पर ग्राम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है जो मेडिकल्स में यूज में आएगा। अगर 1 ग्राम बर्फ को पानी में कन्वर्ट करना है तो आपको 80 कैलोरी हीट उसे देनी पड़ेगी। अगर 1 ग्राम बर्फ को हम 80 कैलोरी की हीट देंगे तब जाकर कहीं वो वाटर में कन्वर्ट होगा। उल्टा प्रोसेस भी बिल्कुल इसी तरीके से है,
अगर पानी के अंदर से हम 80 यानी 80 कैलोरी की हीट बाहर निकाल देंगे तो वो पानी हमारा दोबारा से बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए। रिमेंबर, याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से भूलना बिल्कुल नहीं है। आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है 80 कैलोरी पर ग्राम, वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम लोग आगे आते हैं। देखो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में क्या है, अगर हमें वाटर को बच्चों कन्वर्ट करना है वेपर, अगर हमें वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है या वेपर को वाटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसे हम लोग जानते हैं बच्चों एलवी के नाम से, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एलवी से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू रहेगी 540 कैलोरी पर ग्राम। आपको ये बात अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ये दो डेटा है, हम यार बहुत 11th क्लास में ना बहुत लंबे चौड़े फॉर्मूले पढ़ते हैं सबको, हम फॉर्मूले बिल्कुल नहीं पढ़ने भैया, मैं तो बहुत आसान बात आपको बताने वाला हूँ और उसी से आपको सारी प्रॉब्लम्स बनानी है, उसी से आप पूरी कैलोरी मेट्रिक को सॉल्व करेंगे, जहां भी टर्म्स आएगा वहीं से आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और ये हो गया है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये डेटा हमेशा याद रखना है, 80 कैलोरी पर ग्राम 1 ग्राम बर्फ को पानी में कन्वर्ट करने के लिए और 1 ग्राम पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरी पर ग्राम आप लोगों को चाहिए होगा। जैसे कि अगर हम एक छोटी सी बेसिक बात इसके अंदर करें, अगर हम एक छोटी सी बेसिक बात इसके अंदर करें, देखो क्या रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आता है। बेसिक बात क्या है जरा समझते हैं। देखो बेसिक बात हमारे पास में ये है, छोटा सा एग्जाम्पल बना हमारे पास में, हमें हमारे पास में है 5 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखो, 5 ग्राम पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। उसने हमें ये कहा कि आपको इस 5 ग्राम पानी, देखो ध्यान से, आपको इसे कन्वर्ट करना है 5 ग्राम इसे कन्वर्ट करना है, सॉरी 5 ग्राम वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास में 5 ग्राम पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, हमें इसे कन्वर्ट करना है 5 ग्राम वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो पहले आप देखो, सबसे पहले हम 5 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस वेपर पर पहुंच कैसे सकते हैं, या कैसे हम लोग वहां पहुंचेंगे, सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है। देखो सबसे पहले हमारे पास में है 5 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो सबसे पहले तो हम पहुंचेंगे 5 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, पहले टेम्परेचर को बढ़ाकर 0 से 100 करेंगे। अभी फेज को चेंज नहीं किया, यहां भी वाटर था यहां भी वाटर है, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा दिया 0 से 100 कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब यहां हम इसे कन्वर्ट करेंगे 5 ग्राम वेपर। देखो यहां हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, यहां भी टेम्परेचर 100 था, यहां भी टेम्परेचर 100 है, सिर्फ हमने फेज को चेंज कर दिया बच्चों, हमने सिर्फ फेज को चेंज कर दिया, यहां वाटर था यहां वेपर है, ये दो कंडीशन हमारे सामने आने वाले हैं। यहां टेम्परेचर चेंज हुआ है, यहां फेज चेंज हुई है। अब मैं जो बात बताने वाला हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब टेम्परेचर चेंज होगा आप फॉर्मूला यूज में लेकर आएंगे एमसी डेल्टा टी, और जब फेज चेंज होगी तब फॉर्मूला इस्तेमाल में लेकर आएंगे ml। मैं बताता हूं कैसे। देखो 5 ग्राम पानी है 5, मास की जगह पुट कर दीजिए 5, ठीक है। पानी की स्पेसिफिक हीट यानी c मैंने आपको बताया था 1 होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम, भूलना नहीं। उसके बाद में है डेल्टा टी यानी टेम्परेचर का डिफरेंस, यहां टेम्परेचर 0 है वहां टेम्परेचर 100 है, डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 100, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ गया 500 कैलोरी। तो बच्चों आप समझिए, अगर मुझे यहां से यहां जाना है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पर जाना है तो इतनी हीट मुझे इसे देनी पड़ेगी, इतनी हीट देकर मैं 0 से 100 पर पहुंच गया। जो मैं बता रहा हूं फोकस करके सुनिए, अगर टेम्परेचर को चेंज करना है यूज दिस वन, और अगर आपको फेज को चेंज करना है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है, यहां भी 100 है
यहाँ मास कितना है 5 ग्राम, यहाँ भी 5 ग्राम है, यहाँ वाटर है, यहाँ वेपर है, फेस चेंज हो गई। अब आप बताओ कितने ग्राम है, 5 ग्राम है। 1 ग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितना लगता है, लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था 1 ग्राम पानी को अगर वेपर में कन्वर्ट करना है तो 540 कैलोरी लगेगी। 540 कैलोरी, समझ रहे हैं आप लोग, 540 कैलोरी हमारा लगने वाला है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं आंसर आ जाएगा 2700 कैलोरी। अब आप ये देखो यहां से यहां पहुंचने में 500 कैलोरी लगे, यहां से यहां पहुंचने में 2700 कैलोरी लगे, तो कुल मिलाकर कितनी हीट हम लोगों की खर्च हुई यहां से लास्ट स्टेज तक पहुंचने में 2700 और 500, ये हो गया 3200 कैलोरी। कुल मिलाकर स्टूडेंट कितनी हीट हमारी खर्च हुई है इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंचने में। इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है, भूलनी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आप पॉज करिए वीडियो को, सारी चीजों को नोट करिए ध्यान से कि क्या है इसे। देखिए अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, हमें दे रखा है 20 ग्राम आइस एट माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस, 20 ग्राम आइस एट माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अब हमें जो इसे लेकर जाना है बच्चों, थोड़ा ध्यान से आओ, हमें इसे लेकर जाना है 20 ग्राम वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस पर। मैं सीधी प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं जिससे कि आप बात को समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमारे पास में 20 ग्राम बर्फ है माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस पर और हमें इसे लेकर जाना है 20 ग्राम वेपर 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि रास्ते में कितने फेज पड़ने वाले हैं भैया, अगर यहां से वहां पहुंचना है तो कितनी जगह हमें रुकना पड़ेगा। पहले आप देखो ये क्या है, आइस कितने डिग्री सेल्सियस पर है, माइनस के 10। सबसे पहले बर्फ अपना टेम्परेचर अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, माइनस 10 से 0 पर आएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे पहले क्या होगा, ये जो 20 ग्राम आइस है ये माइनस 10 से ये पहुंच जाएगा 20 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। पहले माइनस 10 से 0 पर पहुंचा, टेम्परेचर चेंज किया 0 पर आ गया। 0 पर आकर फेज चेंज होती है बच्चों, क्या तो फेज चेंज होगी 0 पर या फेज चेंज होगी 100 पर, आपको ध्यान रखना है। 0 पर बर्फ मेल्ट होगा, 100 पर वो वेपर में कन्वर्ट, ठीक है। अब आप यहां देखिए 20 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, अब ये कन्वर्ट होगा यहां पर पानी में, ये कन्वर्ट होगा यहां पर वाटर में, तो ये बन गया 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आइस से पानी में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, पहले पानी 100 पर जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, पहले वाटर कहां पर जाएगा, पहले वाटर जाएगा 100 पर। मैं आपको दिखा देता हूं, जरा समझिए आपको, मैं इसे पहले रन कर देता हूं यहां से। इसके बाद में आएगा 20 ग्राम वाटर 0 से टेम्परेचर बढ़ाकर हम 100 पर ले आए, 100 पर पहुंचकर हमने इसकी फेज को चेंज कराया, 20 ग्राम वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और यही हमें पहुंचना था, यानी यहां से यहां पहुंचने में बीच में 3 फेज आ गई। सबसे पहले बर्फ माइनस 10 से 0 पर आएगा, 0 पर आकर अपने आप को मेल्ट कर लेगा पानी वाटर, फिर वाटर 0 से 100 पर जाएगा और 100 पर पहुंचकर अपने आप को वेपर में कन्वर्ट कर लेगा। यानी इन दोनों कंडीशन के बीच में 3 इंटरमीडिएट कंडीशन है। तो देखते हैं कि यहां से यहां जाने के लिए कितनी हीट लगने वाली है स्टूडेंट्स, कितनी हीट की हमें जरूरत पड़ने वाली है, अभी आप देखते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आप ये देखो 20 ग्राम आइस माइनस 10 पर है और ये कितने पर पहुंच गया, 0 पर, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। और अगर टेम्परेचर का चेंज होगा तो आप लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है, अगर टेम्परेचर का चेंज होगा तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका मतलब ये है कि हमें एमसी डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगाना है। मास देखते हैं कितना है, 20 ग्राम मास है, आइस की स्पेसिफिक हीट 0.5, टेम्परेचर का डिफरेंस यहां माइनस 10 है यहां 0 है, टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया है 10, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ गया 100 कैलोरी, यानी 100 कैलोरी में ये अपना टेम्परेचर माइनस 10 से 0 पर कर देगा, ओके। अब यहां आ जाते हैं, अब ये बर्फ से पानी में बदल रहा है, बर्फ से पानी में बदल रहा है, 1 ग्राम बर्फ को पानी में कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी चाहिए बच्चों,
80 कैलोरी चाहिए, यहाँ कितने ग्राम है, यहाँ 20 ग्राम है, तो जब 80 की मल्टीप्लाई हम 20 से करेंगे बच्चों तो ये आने वाला है 1600 कैलोरी। इतने कैलोरी लगेंगे, देखो एक ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी चाहिए, यहाँ 20 ग्राम को बदलना है भैया तो 20 की मल्टीप्लाई 80 से करेंगे 1600 कैलोरी आ जाएगा, यानी अगर मैं इसे 1600 कैलोरी बाहर से दूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पानी में, ठीक है। अब ये वाटर में बदल चुका है और वाटर अपना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाता है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फेज चेंज नहीं हो रही है, यहाँ भी पानी है यहाँ भी पानी है, टेम्परेचर बदल रहा है, फॉर्मूला लगेगा एमसी डेल्टा टी, मास कितना है 20, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1, रिमेंबर याद रखिएगा बर्फ की स्पेसिफिक हीट 0.5, आइस की 0.5 है, वाटर की 1 है, टेम्परेचर का चेंज देखो कितना है, यहाँ 0 है यहाँ 100 है, तो ये आ गया 100, मल्टीप्लाई करेंगे आने वाला है 2000 कैलोरी, 2000 कैलोरी की हीट यहाँ से हम लोग इसे देने वाले हैं, अगर 2000 कैलोरी की हीट हम इसे देंगे तो ये वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। अब यहाँ देखो पानी से वेपर में कन्वर्ट करना है, वाटर से वेपर में कन्वर्ट करना है, एक ग्राम वाटर को वेपर में बदलने के लिए 540 यानी 540 कैलोरी चाहिए, अब यहाँ तो 20 ग्राम को बदलना है यार, तो देखो कितनी हीट इसे देनी पड़ेगी, एक ग्राम को बदलने के लिए 540 चाहिए, हमें कितना बदलना है 20 ग्राम, तो 20 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आने वाला है 10800 कैलोरी, ठीक है। इतनी हीट हमारे पास में लगेगी इसे यहाँ से यहाँ लेकर जाने, तो देखिए आप माइनस 10 से 0 पर आने में 100 कैलोरी, 0 से फेस चेंज करने में इतने कैलोरी, 0 से 100 पर आने में इतने कैलोरी, फेस चेंज करने में इतने कैलोरी, तो कुल मिलाकर कितने कैलोरी हमारे पास में लग रहे हैं 10800 2000 1600 100, आप इन सबको ऐड कर देंगे पता चल जाएगा कि कुल मिलाकर कितने कैलोरी हीट की आपको जरूरत पड़ने वाली है, और इतनी कैलोरी हीट देने के बाद में ये 20 ग्राम आइस माइनस 10 से यहाँ पर पहुंच जाएगा बच्चों, ठीक है। तो जहां तक मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, मेन मुद्दा इस बात का है बच्चों कि मैं आपको दो बात बताने जा रहा हूँ, जब आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो एमसी डेल्टा टी ध्यान रखिए, जब आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे, और नंबर टू क्या है, जब आप फेज को चेंज करेंगे, फेज को चेंज करेंगे तो ML, सिंपल फॉर्मूला आपको यूज में लेकर आना है, ठीक है। ठीक है अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में क्या रहने वाली है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिएगा, अगली कंडीशन हमारे पास में क्या रहने वाली है, हम लोगों ने लेट किया कि हमारे पास में 1 ग्राम आइस एट माइनस के 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और यहां है हमारे पास में 5 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ध्यान से, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही दमदार प्रॉब्लम है, 1 ग्राम आइस माइनस के 20 डिग्री सेल्सियस पर, 5 ग्राम पानी 40 डिग्री सेल्सियस पर है, क्वेश्चन यह आया है अगर इन दोनों को हम आपस में मिला दें, इन दोनों को आपस में मिला दें तो फाइनल कंपोजिशन जो तैयार होगी इन दोनों को आपस में मिलाने से उसमें कितना तो बर्फ होगा और कितना पानी होगा और फाइनल कंपोजिशन का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ही दमदार प्रॉब्लम है, अगर दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो फाइनल कंपोजिशन का टेम्परेचर क्या होगा और फाइनल कंपोजिशन में वाटर कितना होगा, ध्यान से, और आइस कितनी होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ना हमारे पास में बड़ा सुपर मेथड है, वो क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, 1 ग्राम बर्फ है माइनस के 20 डिग्री सेल्सियस, हम सबसे पहले एक काम करते हैं 5 ग्राम वाटर है 40 डिग्री सेल्सियस पर, उसको भी इसमें ही कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो 5 ग्राम वाटर 40 डिग्री सेल्सियस को 5 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर लाना पड़ेगा, अगर उसको इसमें कन्वर्ट करना तो पहले टेम्परेचर 40 से 0 पर लाना, जब टेम्परेचर 0 पर आ जाएगा फिर इसकी फेज को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो आइस में है और ये वाटर में है, जब हम इसकी फेज को चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 5 ग्राम आइस एट
जीरो डिग्री सेल्सियस, फेज को चेंज कर दिया। अब 5 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस को लेकर जाना पड़ेगा माइनस के 20 डिग्री सेल्सियस पर, यानी हमें इसे यहां लेकर जाना पड़ेगा। 5 ग्राम आइस को माइनस के 20 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाना पड़ेगा। हमने उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो देखते हैं कि जब मैं एक गर्म चीज को ठंडी चीज में कन्वर्ट करूंगा, कॉमन सी बात है, बिल्कुल फिजिक्स से हटकर थोड़ा सोचिए, अगर आप एक गर्म चीज को ठंडी चीज में कन्वर्ट करेंगे तो उसके अंदर से हीट निकल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर से हीट निकलेगी तभी तो वो ठंडी होगी। तो देखते हैं कि यहां से कितनी हीट निकलने वाली है। स्टूडेंट, 5 ग्राम वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर चेंज हो रहा है 40 से 0 पर पहुंच रहा है, 40 मल्टीप्लाई करेंगे 200 कैलोरी, 200 कैलोरी की हीट यहां से निकलने वाली है। आप ध्यान दीजिए, अगर मुझे 40 से 0 पर आना है तो 200 कैलोरी की हीट बाहर निकलेगी, 5 × 40 = 200 कैलोरी। अच्छा, अब आप यहां आइए, 0 डिग्री 0 डिग्री बर्फ से, सॉरी वाटर से बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, पानी से बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखते हैं कि जब ये पानी से बर्फ में कन्वर्ट होगा तो कितनी हीट इसके अंदर से लिबरेट होगी। आप जानते हैं 1 ग्राम पानी को अगर बर्फ में बदलना है तो 80 कैलोरी हीट को बाहर निकालना पड़ेगा। 5 ग्राम और 1 ग्राम को निकालने के लिए कितना चाहिए, 80 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 5 के अंदर, 400 कैलोरी की हीट यहां से बाहर निकलने वाली है। बच्चों आप ध्यान रखें, वहां से 200 कैलोरी की हीट बाहर निकलने वाली है और यहां से हमारी 400 कैलोरी की हीट बाहर निकलने वाली है। अब यहां से हमें कन्वर्ट करते हैं इसके अंदर, 5 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस को हम माइनस के 20 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाते हैं। देखो यहाँ भी आइस है, यहाँ भी आइस है, यहाँ टेम्परेचर 0 है, यहाँ माइनस के 20 है, हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट। सो टेम्परेचर को जब हम चेंज करेंगे, मास हो गया 5, ओके याद रखिएगा, आइस है, आइस की स्पेसिफिक हीट 0.5, टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ 0 है, यहाँ माइनस के 20 है, ये हो गया 20, ओके। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे तो देखते हैं कि क्या कंडीशन हमारे पास में बनने वाली है, 5 × देखो अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, आएगा 10, आंसर बनेगा हमारे पास में 50 कैलोरी। यानी अगर हमने 5 ग्राम पानी को 40 डिग्री सेल्सियस से बर्फ माइनस पे 20 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया तो इतनी हीट हमारी बाहर निकल गई। तो हम एक काम करते हैं यार, एक टैंक बना लेते हैं यहाँ पर, और इस बैंक का हम लोग नाम रखते हैं स्टेट बैंक ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जमा करने का एक बढ़िया सा बैंक हम लोगों ने बना दिया, स्टेट बैंक ऑफ एनर्जी हमने इसका नाम दिया, ठीक है। तो देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ एनर्जी के अंदर कितनी एनर्जी जमा हो गई, 200 कैलोरी यहां से निकली, 400 कैलोरी यहां से निकली, 50 कैलोरी यहां से निकली, तो 400 × 200 = 600 × 50 = 650। तो भैया हमारे बैंक के अंदर जो कैलोरी जमा हो गई वो हो गई 650 कैलोरी, याद रखिएगा हमारे बैंक के अंदर जो कैलोरी जमा हो गई है वो हो गई है 650 कैलोरी, ये आपको नहीं भूलना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, बैंक के अंदर तो इतनी कैलोरी जमा हो गई यार हमारे पास में, तो देखते हैं कि इतनी कैलोरी जमा होने से हमें फायदा भी हुआ कुछ नहीं हुआ। भाई हमारे पास में इतनी कैलोरी यहां जमा हो गई है और आइस 5 ग्राम वो था, 1 ग्राम ये था, कुल मिलाकर हमारे पास में 6 ग्राम आइस हो गई है माइनस के 20 डिग्री सेल्सियस पर। 5 ग्राम जब इसमें कन्वर्ट हो गया तो कुल मिलाकर ये 6 ग्राम हो गया। चलिए अब ये वाली जो हीट हमारे पास में बैंक में जमा हो गई है उसको हमने इसमें कन्वर्ट किया, इस हीट को हम इसे देना स्टार्ट करते हैं, जो हमने हीट जमा कर ली है वो इस टोटल कंपोजिशन को हम हीट देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो 6 ग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, ये 6 ग्राम आइस सबसे पहले पहुंचेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने में से कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से, बर्फ 6, बर्फ की स्पेसिफिक हीट 0.5, टेंपरेचर का डिफरेंस हो गया 20, इसकी मल्टीप्लाई हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं 0.5 × 20, 10 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 60 कैलोरी, यानी इसको यहां से यहां लेकर आने के लिए 60 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। हमारे बैंक में 650 कैलोरी जमा है, 650 में से 60 कैलोरी इसे दे देते हैं तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। जब हमने इसे 60 कैलोरी दे दिया तो हमारे पास में स्टूडेंट बचा 590 कैलोरी, 590 कैलोरी अभी भी हमारे पास में बच रहा है, 60 कैलोरी हमने इसे दे दी। अब देखते हैं कि 6 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस को अगर मुझे वाटर में कन्वर्ट करना है तो कितनी हीट की जरूरत पड़ने वाली है। हम जानते हैं
एक ग्राम को मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी चाहिए, है कितने ग्राम, 6 ग्राम है। तो अगर मैं 6 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करता हूं 0 डिग्री सेल्सियस पर, ध्यान से, अगर मैं 6 ग्राम आइस को 6 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करता हूं 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो 6 ग्राम है, 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए 80 चाहिए, आंसर आ गया है 480 कैलोरी, 480 कैलोरी, 480 कैलोरी हमारा मेल्ट करने में चला गया। कितना बच रहा है, 590 अभी भी हमारे पास में बच रहा है, तो हम इसमें से 480 कैलोरी को माइनस कर देते हैं, 20 और 90 110 कैलोरी अभी भी हमारे पास में रिमेनिंग, 110 कैलोरी अभी भी हमारे पास में बचा हुआ है और हमारा फाइनल कंपोजिशन 6 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। अब हम एक काम करेंगे बच्चों, पूरा मेल्ट हो चुका है, अब जो हीट हमारे पास में बच रही है, जो एनर्जी हमारे पास में बच रही है, उस बची हुई सारी एनर्जी को हम पानी को दे देते हैं, वाटर को दे देते हैं। तो देखते हैं कि जैसे ही उस बची हुई सारी एनर्जी को हम पानी को देंगे तो क्या हमारे सामने क्या रिजल्ट आता है, हमारे पास में 110 बचा है, ठीक है, 6 ग्राम वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 है, टेम्परेचर का डिफरेंस है डेल्टा टी, ठीक है, सो डेल्टा टी इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 55/3 डिग्री सेल्सियस, यानी 6 ग्राम पानी का जो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास में होने वाला है जो वो है 55/3 डिग्री सेल्सियस, कुल मिलाकर ये हमारी फाइनल कंपोजिशन रहेगी, यानी कि इन दोनों को आपस में मिलाया जाए तो दोनों को आपस में मिलाने से फाइनल कंपोजिशन में ओवरऑल वाटर होगा और उस वाटर का टेम्परेचर होने वाला है 55/3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ओके, पॉज करिए और आप लोग नोट डाउन करिए, इसे एक एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। तो बच्चों ये हमारे पास में ना नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैलोरीमेट्री से ही, देखो प्रॉब्लम क्या है, 1 ग्राम आइस एट माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस और दूसरी तरफ है 1 ग्राम वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों को अगर हमने मिलाया आपस में तो फाइनल कंपोजिशन क्या होने वाला है और फाइनल कंपोजिशन का टेम्परेचर क्या होने वाला है ये हमें देखना है। स्टेप वन, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बिल्कुल ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, कि सबसे पहले आप गर्म वाली चीज को ठंडी वाली चीज में कन्वर्ट करेंगे। जब आप गर्म वाली चीज को ठंडी वाली चीज में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास में कुल मिलाकर हीट का अमाउंट आ जाएगा कि कितनी हीट बाहर निकली है और ये दोनों कन्वर्ट होकर एक में पहुंच जाएंगे, तो वो जो हीट आपकी निकली होगी फिर आप दोनों को देना एक साथ स्टार्ट करेंगे और फाइनल कंपोजिशन को चेक करेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम है कि इसको हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। देखो जब हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 1 ग्राम वेपर सबसे पहले अपने फेज को चेंज करेगा, 1 ग्राम वेपर आएगा 1 ग्राम वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस, फेज चेंज होगी सबसे पहले, और जब फेज चेंज होगी तो देखते हैं कि कितनी हीट बाहर निकली। अरे हम जानते हैं यार 1 ग्राम के लिए 540 कैलोरी चाहिए अगर वेपर को वाटर में कन्वर्ट करना है, या वाटर को अगर वेपर में कन्वर्ट करना है तो 540 कैलोरी, गर्म करना है तो 540 कैलोरी देनी पड़ेगी, ठंडा करना है तो 540 कैलोरी लेनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो 1 × 540, तो ये साफ साफ हो गया 540 कैलोरी की हीट हमारी यहां से बाहर निकल गई। अगर 1 ग्राम वेपर को आपको 1 ग्राम पानी में कन्वर्ट करना है, उसे ठंडा करना है, तो इतनी हीट बाहर निकलेगी 540 कैलोरी, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं यहां 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले हम 1 ग्राम वाटर को, भाई वाटर ही रहेगा, बस टेम्परेचर 100 से घटकर 0 का है, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा क्योंकि आइस में जाना है हमें, तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पानी से आइस में जाना है तो डेफिनेटली टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा। देखते हैं कितनी हीट चाहिए होगी, 1 ग्राम पानी की स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर का डिफरेंस 100, आंसर आ गया है 100 कैलोरी की हीट आपको चाहिए होगी 1 ग्राम पानी 100 डिग्री सेल्सियस को, 1 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बदल लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अरे यार पानी को ठंडा करके 0 पर लेकर आ गए, इसके बाद तो बर्फ ही आता और कुछ नहीं आता, तो 1 ग्राम पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर देंगे, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, फेज चेंज हो गई। अब मैंने आपको बता रखा है अगर 1 ग्राम पानी को बर्फ में कन्वर्ट करना है तो 80 कैलोरी और अगर वेपर को वाटर में कन्वर्ट करना है तो 540 कैलोरी, तो यहां लगेगा 1 ग्राम × 80, 80 कैलोरी की हीट यहां से बाहर निकल गई। अब हमें सीधा इसे लेकर जाना है यहां,
एक ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस को एक ग्राम आइस माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाना है। देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ भी आइस है वहां भी आइस है, यहाँ 0 डिग्री है वहां माइनस के 10 है। और जब टेम्परेचर चेंज होता है तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं एमसी डेल्टा टी, बोलना नहीं है। मास कितना है, मास है हमारे पास में 1, बर्फ की स्पेसिफिक हीट 0.5, टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ 0 है यहाँ माइनस के 10 है तो ये हो गया 10, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ गया 5 केल्विन। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वो 1 ग्राम वेपर भी हमने 1 ग्राम आइस के अंदर ऐड कर दिया और कुल मिलाकर हमारे पास में 2 ग्राम आइस हो गई है माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस, 2 ग्राम आइस हो गई, 1 ग्राम भाप को हमने बर्फ में ही बदल दिया, कुल मिलाकर 2 ग्राम बर्फ हो गई। अब देखते हैं कि जब हमने उसको इसमें कन्वर्ट किया तो कितनी हीट बाहर निकली, 540 कैलोरी यहाँ, 540 यहाँ पर, 100 यहाँ पर, 640 हो गया है, 640 के बाद में 80 यहाँ पर, तो 640 एंड 80, 720, 720 हो गया है और 5 यहाँ पर हो गया है, तो कुल मिलाकर हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ एनर्जी है भैया इसके अंदर 725 कैलोरी जमा हो गया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 540 और 100, 640, 640 और हो गया हम लोगों का 640 एंड 80, 720, ठीक है, 720 हमारे पास में हो गया है और 5 725, यानी हमारे बैंक के अंदर कुल मिलाकर 725 कैलोरी की हीट जमा हो गई है। अब ये जो हीट हमारे पास में जमा हुई है, इस हीट को हम एक काम करते हैं कि इस हीट को हम धीरे धीरे इस 2 ग्राम बर्फ माइनस 10 डिग्री सेल्सियस को देना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आता है। ठीक है, जब इस हीट को हम 2 ग्राम आइस एट माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस पर देना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इसका टेम्परेचर घटकर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर आए, फिर आइस 0 डिग्री सेल्सियस से ये 2 ग्राम वाटर, 2 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा। पहले इतना काम हम लोग कर लेते हैं, 2 ग्राम बर्फ माइनस के 10 पर है, देखते हैं कि 0 पर आने में कितनी हीट खर्च होगी, 2 ग्राम बर्फ को अगर 0 पर लेकर आएंगे तो कितनी हीट खर्च होगी, तो आइस की स्पेसिफिक हीट 0.5, टेम्परेचर का डिफरेंस 10, तो भैया हम कह सकते हैं हीट जो हमारी खर्च होने वाली है वो 10 कैलोरी खर्च होने वाली है, 10 कैलोरी मात्र, 725 कैलोरी यहाँ से 10 कैलोरी खर्च होने वाली। अब यहाँ देखो कितनी कैलोरी हमारी खर्च होने वाली है, 2 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस को 2 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करना है, 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए 80 चाहिए तो 2 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए 160 कैलोरी चाहिए, 160 यहाँ खर्च हो गई, 10 यहाँ खर्च हो गई, कुल मिलाकर 170 हमारी खर्च हो गई, तो बैंक के अंदर से हमने 170 कैलोरी बच्चों निकाल, 170 कैलोरी हम लोगों ने निकाल। अब देखते हैं कि अगर 170 कैलोरी हम लोगों ने निकाल यहाँ से 725 में से, तो हम लोगों के पास में क्या डेटा बचने वाला है, मतलब कितनी हीट बच रही है, वो है 555 कैलोरी। ठीक है, इतनी हीट हमारे पास में बच रही है, 555 कैलोरी। ठीक है, अभी जो हीट हमारे पास में बच रही है, देखो हम इसका क्या करना है, सबसे पहले हम 2 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाते हैं और देखते हैं कि कितनी हीट हमारी यहाँ खर्च होने वाली है, हम लोग इसे यहाँ लेकर जाएंगे, 2 स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर का डिफरेंस 100, लो भैया 200 कैलोरी हीट हमारी यहाँ खर्च होगी, 200 कैलोरी हीट हमारी यहाँ खर्च होगी, इतनी कैलोरी हीट हमारी बच रही थी, 200 कैलोरी हमने यहाँ खर्च कर दी, तो अब हमारे पास में बच रही है 355 कैलोरी, 355 कैलोरी। ठीक है, देखो 2 ग्राम बर्फ है, इतनी हमारे पास में बच रही है। अब आप ये देखो कि जितनी हीट हमारे पास में बच रही है 355 कैलोरी, वो कितने ग्राम को वेपर में कन्वर्ट कर पाएगी, 355 मान लिया कि m ग्राम को उसने कन्वर्ट कर दिया, 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए कितना चाहिए, सो m इज इक्वल टू 355 अपॉन 540 ग्राम, यानी आप ये समझिए कि 2 ग्राम में से इतने ग्राम तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो बचेगा वो वाटर में ही रहेगा और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा स्टूडेंट। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, हम लोग ऐसा करते हैं कि इसे एक और बार डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कंडीशन हमारी आने वाली है। ठीक है, देखिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है 2 ग्राम आइस माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस और हम लोग मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास में इतनी हीट बची हुई है, ठीक है 800 कैलोरी की हीट हमारे पास में बची हुई है, ये बड़ी जरूरी चीज है और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अच्छी तरीके से समझनी है। ठीक
ठीक है, 2 ग्राम बर्फ है माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस पर। अब ऐसा करते हैं, हम इसे हीट देनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आए, देखते हैं कितनी हीट देनी पड़ेगी। 2 ग्राम बर्फ की स्पेसिफिक हीट 0.5, टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया 10, आंसर आ गया है 10 कैलोरी। 10 कैलोरी की हीट हम लोगों को इसे देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हम 2 ग्राम बर्फ को वाटर में कन्वर्ट करते हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। 2 ग्राम, 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए 80 चाहिए, तो ये हो गया 160 कैलोरी। 160 कैलोरी हम लोगों ने इसे दे दिया। जैसे 160 कैलोरी हम लोगों ने इसे दिया, ये हमारा कन्वर्ट हो गया 2 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में। अभी आप देखो कि हमारे पास में था कितना, हमारे पास में 800 कैलोरी हमारे स्टेट बैंक ऑफ एनर्जी के अंदर था। हमने 2 ग्राम बर्फ को 2 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया, तो इतनी हीट दे दी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जब टेम्परेचर चेंज होगा तो फॉर्मूला लगेगा एमसी डेल्टा टी, हमने वही फॉर्मूला यहाँ यूज किया। दूसरी कंडीशन के अंदर 2 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस को 2 ग्राम वाटर, भाई आइस 0 के बाद तो वाटर ही आता है यार, जब तुम गर्म करोगे 0 से 0 पर पहुंचेंगे, स्टेट चेंज हो गई। 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी चाहिए, तो 160 कैलोरी हमारा यहाँ खर्च हुआ, ठीक है। तो 10 वहां खर्च हुआ, 160 यहाँ खर्च हुआ, कुल मिलाकर हमारा खर्च हो गया 170 कैलोरी। अगर 170 कैलोरी हमारा खर्च हुआ तो हमारे पास बचा कितना, देखो हमारे पास बचा 630 कैलोरी, 630 कैलोरी अभी भी हमारे पास में बच रहा है। अब हम एक काम करते हैं, 2 ग्राम वाटर को हम लेकर जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। देखो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाएंगे, 2, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1, आइस की 0.5 है, वेपर की भी 0.5 है, ठीक है। 1, टेम्परेचर का चेंज कितना हो गया 100, 200 कैलोरी स्टूडेंट हमारा यहाँ खर्च हुआ, 200 कैलोरी हमारा यहाँ खर्च हुआ। तो माइनस कॉल कर देते हैं इसके अंदर से 200 कैलोरी, हमारे पास में बचेगा 430 कैलोरी, 430 कैलोरी अभी भी हमारे पास में बच रहा है, और 2 ग्राम वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। अब देखो क्या हुआ, अभी जो हमारा 430 कैलोरी बच रहा है 2 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसके बाद की जस्ट जो फेज है वो हमारी वेपर की फेज है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 430 कैलोरी 2 ग्राम को वेपर में बदलने के लिए सफिशिएंट है। क्यों, 1 ग्राम को बदलने के लिए ही 540 कैलोरी चाहिए, बच कितना रहा है आपके पास में 430 कैलोरी, ये तो 1 ग्राम के लिए भी सफिशिएंट नहीं, और हमारे पास में कितने ग्राम है 2 ग्राम है, तो इसका मतलब है कि 1 ग्राम से भी कम पार्ट वेपर में कन्वर्ट हो पाएगा। कितना कन्वर्ट हो पाएगा ये हम लोग देखते हैं, कितना कन्वर्ट हो पाएगा, 430 कैलोरी जो हमारे पास में रिमेनिंग है, जो हमारे पास में बचा हुआ है, जो हमारे पास में बचा हुआ है, मास कितना है हमारे पास में m, ठीक है। 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए कितना चाहिए, 540 चाहिए। सो m इज इक्वल टू, देखिए 43/54 ग्राम इतना हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका टेम्परेचर भी हमारा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। 2 ग्राम में से इतने ग्राम हमारा वेपर में कन्वर्ट हो गया और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। बचा कितना, रिमेनिंग कितना बचा, कैपिटल एम इज इक्वल टू 2 ग्राम माइनस के 43/54 ग्राम, ये अभी भी हमारा वाटर में ही होगा बच्चों, ये अभी भी वाटर में ही होगा, और इसका टेम्परेचर भी कितना रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 2 ग्राम में से इतना कन्वर्ट हो गया भाप में यानी वेपर में, और इतना अभी भी हमारे पास में पानी में है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम इसे इतनी हीट देते हैं तो ये कंडीशन हमारे सामने निकल कर आएगी। देखो कैलोरीमेट्री हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर जेई के जो स्टूडेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, नीट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको कुछ भी करके सिर्फ 2 बातें याद रखनी है कि जब टेम्परेचर चेंज होगा एमसी डेल्टा टी, और जब फेज चेंज होगी तो ML, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में एक एग्जांपल बना हुआ है, 5 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, दूसरी तरफ है 5 ग्राम वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस, दो हम लोगों को सिस्टम दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। आप देखिए दोनों वाटर है, ये भी वाटर है और ये भी वाटर है, बिल्कुल ध्यान से। जैसे ही हमने दोनों को मिलाया, अब डेफिनेटली यार देखो 20 पर है, ये थोड़ा ठंडा होगा,
ये 60 पर ये थोड़ा गर्म हो, ठंडी चीज को गर्म चीज के अंदर मिलाएंगे तो ये इंटरमीडिएट कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये कहा गया हम लोगों को कि जैसे इन दोनों को हम मिलाएंगे बताओ फाइनल कंपोजिशन क्या होने वाली है। बड़ा इजी है, हम एक काम करते हैं हम इसको इसमें ही कन्वर्ट कर देते हैं और देखते हैं कि जब इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो कितनी हीट बाहर निकलेगी और फिर वो हीट जो बाहर निकलेगी वो दोनों को एक साथ हम लोग दे देंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे ये बन जाएगा 10 ग्राम वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पर, टेम्परेचर तो 20 रहे, हमने 60 को 20 में कन्वर्ट कर दिया, देखते हैं कि कितनी हीट बाहर निकलेगी। इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हमने कुछ नहीं किया, उसको कन्वर्ट कर दिया, तो मास कितना है 5, वाटर है, स्पेसिफिक हीट कितनी है 1, 60 से 20 पर लेकर आ रहा है, चेंज कितना हो गया, चेंज हो गया 40, 60 से 20 पर लेकर आया, टेम्परेचर का चेंज हो गया 40, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 200 केल्विन, यानी हमारे स्टेट बैंक ऑफ एनर्जी के अंदर 200 कैलोरी की हीट जमा हो गई और दोनों मिलकर के ऐसे स्थिति में पूछ। उम्मीद है कि आप बात को समझ रहे हैं। अभी जो 200 कैलोरी हमारा निकला है, अब इस कंप्लीट 10 ग्राम को हम देना स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे ही हम इस 10 ग्राम को देना स्टार्ट करेंगे 200 कैलोरी हम लोग देंगे, मास कितना है 10 ग्राम है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है 1 है। मैंने माना कि इतनी हीट देने के बाद, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप लोग, इतनी हीट देने के बाद में इसका टेम्परेचर 20 से बढ़कर टी हो गया है। टी क्या हो गया है, टी, अभी कितना है 20, इतनी हीट देने के बाद में इसका टेम्परेचर हो गया है टी, तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो जाएगा टी माइनस 1, 20 से बढ़कर टी हो गया तो टी माइनस 1, ये इससे कैंसिल आउट, सो 20 इज इक्वल टू टी माइनस 20, सो टी इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। लो बच्चे अगर मैं दोनों को आपस में मिला दूं तो मिक्स टेम्परेचर जो आने वाला है वो 40 डिग्री सेल्सियस आने वाला है। बड़ा इजी है, बड़े आराम से हम लोग बना सकते हैं अगर हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है। तो मैं इतनी सारी कंडीशंस आपके सामने बता चुका हूं, आपको थोड़ा आइडिया होगा होगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है, ये बहुत जरूरी चीज है और आप लोगों को आनी चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास में। जैसे कि मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे पास में 2 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, और मेरे पास में 2000 कैलोरी की हीट, 2000 कैलोरी की हीट, मैं देखना चाहता हूं कि 2000 कैलोरी की हीट देने के बाद में फाइनल कंपोजिशन का टेम्परेचर क्या होगा। कैलोरी मेट्री का क्वेश्चन बिल्कुल आपका गलत नहीं होना चाहिए, जितनी चीजें मैंने बताई हैं अगर उन पर भी आपने अच्छे से फोकस किया तो गारंटी है मेरी क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा आपका, लेकिन आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना पड़ेगा बिल्कुल ध्यान से। जैसे कि आप यहाँ देखिए 2 ग्राम बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पर, इतनी हीट का मेरे पास में स्टोर है, यानी स्टेट बैंक ऑफ एनर्जी के अंदर इतनी हीट है मेरे पास में। अगर इतनी हीट में इसे देता हूं तो ये कहा जाएगा, देखो सबसे पहले ये 2 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है, सबसे पहले ये अपनी फेज को चेंज करेगा, ये 2 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, इसके बाद पहुंचा ये 2 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर, देखते हैं कि यहां पहुंचने में कितनी हीट की जरूरत इसे पड़ने वाली है। सबसे पहले 2 ग्राम बर्फ 0 पर है, 2 ग्राम वाटर में जाएगा, 1 ग्राम बर्फ को मेल्ट कराने के लिए 80 कैलोरी चाहिए तो ये हो जाएगा 160 कैलोरी। अब 2 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से 2 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मास हो गया 2 ग्राम, वाटर की स्पेसिफिक हीट हो गई 1, टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया 100, ये हो गया 200 कैलोरी, ठीक है, 160 कैलोरी यहां खर्च हो गया और 200 कैलोरी हमारा यहां खर्च हो गया। तो देखते हैं कितना खर्च हुआ, कुल मिलाकर हमारा खर्च हुआ 360 कैलोरी, 2000 में से अगर 360 कैलोरी को माइनस करेंगे तो ये बचने वाला है 640 कैलोरी, 1640 कैलोरी हमारे पास में रिमेनिंग बच गया और हम पहुंच चुके हैं 2 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसकी जो जस्ट बाद वाली फेज है वो है 2 ग्राम वेपर 100 डिग्री सेल्सियस, 2 ग्राम वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं कि 1 ग्राम को मेल्ट कराने के लिए कितना चाहिए, 1 ग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरी चाहिए,
ग्राम है और हमारे पास में 1640 बच रहा है, यानी काफी बच रहा है। तो भैया 2 ग्राम के लिए चाहिए होगा 540 कैलोरी, यानी 1080 कैलोरी हम लोग को चाहिए होगा। देखो हमारे पास में है या नहीं है इतना, अरे है भाई, सफिशियंट है, बहुत है। 1640 बचा हुआ है, 1640 बचा हुआ है हमारा, तो यहाँ 1080 भी खर्च हो रहा है, काफी बचा हुआ है हमारे पास में। तो हम ऐसा करते हैं माइनस कर देते हैं 1080 कैलोरी, ठीक है। अब देखो 1640 कैलोरी में से हम माइनस करेंगे 1080, 640 और फिर इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 560 कैलोरी, 560 कैलोरी भी अभी भी हमारा बच गया है और हम इसे 2 ग्राम वेपर 0-100 डिग्री सेल्सियस पर ले जा चुके हैं, ठीक है। सो अभी 560 कैलोरी हमारा बचा हुआ है वेपर में तो कन्वर्ट हो गया, अब ये इसके टेम्परेचर को राइज करेगा। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम से बच्चों आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये अभी से टेम्परेचर में वेपर के बाद कोई फेस आने वाली है नहीं इसकी, तो ये 560 कैलोरी इसके टेम्परेचर को राइज करेगा। 560 इज इक्वल टू 2 ग्राम वेपर है, वेपर की स्पेसिफिक हीट 0.5, अभी टेम्परेचर 100 है, मैंने माना कि बाद में हो गया टी, ये हो गया टी माइनस के अंदर, अभी टेम्परेचर कितना है 100, हीट देने के बाद टेम्परेचर बढ़कर कितना हो गया है टी। तो अभी आप देखो ये हो गया है 560 इज इक्वल टू टी माइनस के 100, तो टी इज इक्वल टू 660 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर आप 2 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस को 2000 कैलोरी की हीट देते हो तो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास में 660 डिग्री सेल्सियस आने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है ये थर्मोडायनेमिक्स का पहला पोर्शन है जो हमारा, जिसे हमने कैलोरीमेट्री का नाम दिया है। ऑलमोस्ट हमारा कैलोरीमेट्री का काम पूरा हो गया है, जब हम अगली क्लास लेंगे तो आपको कैलोरीमेट्री की 2-3 प्रॉब्लम्स बताएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जो इस चैप्टर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है, वीडियो कहीं भी प्रॉब्लम आए वीडियो को पॉज करिए, या कहीं और प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में नीचे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर उस पर चल रहा है, वहां कॉल करके भी आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 2-3 दिन के लिए अभी आपकी क्लास यूट्यूब के ऊपर ही स्ट्रीमिंग की जाएगी, उसके बाद में हम आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट कर देने वाले हैं। तो अभी आप 2-3 दिन की क्लास को अच्छे तरीके से पढ़िए और देखिए कि कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम किस तरीके से आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।